हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गूगल की एक एप्लीकेशन के बारे में जो है गूगल कॉन्टैक्ट। क्या दोस्तों, गूगल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन हम नया नंबर सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है हमारी उसको मैनेज करने के लिए हम गूगल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम एक ही नाम को बार बार दिखते रहते हैं या फिर एक ही कॉन्टैक्ट नंबर को बार बार दिखते रहते हैं अलग अलग नाम से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नया स्मार्टफोन खरीदते हैं, ऐसे में हमारे जो कॉन्टैक्ट है उसको रिस्टोर करने में काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में से काफ़ी सारे नंबर्स मिसिंग हो जाते हैं, ऐसे में हमें जो कॉन्टैक्ट है उसको मैन्युअली सेव करना पड़ता है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, काफ़ी मैस क्रिएट कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में अर्जेंटली किसी को कॉल करना होता है, लेकिन हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट मैनेज नहीं होने की वजह से हमें वो कॉन्टैक्ट जल्दी से नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कॉन्टैक्ट गूगल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कौन से सेटिंग्स आप कर सकते हैं जिससे आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और गूगल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन की सभी सेटिंग्स को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में इंटरेक्ट हमारे साथ बने रहिए। वैसे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही कॉन्टैक्ट नंबर को अलग अलग नाम से सेव कर लेते हैं या फिर अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर को एक नाम से सेव कर लेते हैं, ऐसे में हमारी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और काफ़ी मैस क्रिएट कर देती है। दोस्तों, इसका भी सोल्यूशन है, आप अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो गूगल कॉन्टैक्ट्स की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है और यहाँ पे जो फिक्स एंड मैनेज लिखा हुआ है उसको टैप करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे है मर्ज एंड फिक्स, उसको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी डुप्लीकेट नंबर है या फिर एक अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर को जो आपने अलग अलग नाम से सेव किए हुए हैं तो वो सारे उसको ये सर्च करेगा और ये ऑटोमेटिक सारे कॉन्टैक्ट्स को मर्ज कर देगा। ऐसे में दोस्तों, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आपने जो अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग नाम से सेव किए हैं वो सारे एक ही में मर्ज हो जाएंगे। दूसरा फीचर है दोस्तों यहाँ पे कि आप गूगल कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन जो है उसमें अपने जो कॉन्टैक्ट्स है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे आपने अगर नोटिस किया है तो गूगल जीमेल अगर होता है तो उसमें आप लेबल्स का फीचर आपको देखने को मिलता है, वैसा सेम फीचर आपको गूगल कॉन्टैक्ट्स में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जो थ्री लाइन दी हुई है उसको सिलेक्ट करिए, क्रिएट लेबल लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फैमिली नाम देते हैं और ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे फैमिली का जो लेबल है वो क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो प्लस का सिंबल दिख रहा है उसको सिलेक्ट करना है और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट्स है उसमें से जो भी फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसको ऐड कर सकते हैं। वैसे में दोस्तों, ये जो लेबल है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, जैसे फैमिली है, ऑफिस है, कोवर्कर्स है, बिजनेस है, फ्रेंड्स है, ऐसे लेबल्स क्रिएट करके आप उसमें अकॉर्डिंगली जो कॉन्टैक्ट्स है उसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों, कभी अगर आप जल्दी में हैं और आपको किसी को कॉल करना है तो आप यहां से उस कॉन्टैक्ट नंबर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, जब हम नया स्मार्टफोन खरीदते हैं ऐसे में हमें अपने कॉन्टैक्ट जो लिस्ट होती है उसमें काफ़ी परेशानी होती है उसको रिस्टोर करने में। कभी कभी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है कुछ नंबर्स मिसिंग हो जाते हैं, हमें कॉन्टैक्ट उसको या फिर मैन्युअली सेव करने पड़ते हैं। इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो राउंड सर्कल दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन सेटिंग जो है उसको उसमें जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लास्ट में एडिट कॉन्टैक्ट्स का, उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर न्यू कॉन्टैक्ट्स, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका जो भी प्राइमरी जीमेल अकाउंट है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद से दोस्तों, अब जब कभी भी आप अपने फ़ोन में नया कॉन्टैक्ट सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके जो प्राइमरी गूगल अकाउंट है या जीमेल अकाउंट है उसमें सेव हो जाएगा। आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सारी अपने आप जो है सिंक होकर आपके जो प्राइमरी अकाउंट जो है गूगल अकाउंट जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है उसमें सेव हो जाएंगे। ऐसे में जब कभी आप अपना डिवाइस चेंज करते हैं, अपना स्मार्टफोन चेंज करते हैं, तब आपको अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स के लिए परेशानी नहीं होगी और आपके एक भी कॉन्टैक्ट मिस नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है ये फीचर
ये आपको बहुत ही खास फीचर है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट अकाउंट में आपका जो प्राइमरी गूगल अकाउंट है जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है सिंपली। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स को सेव करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि गूगल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन को कैसे सेटअप करना है और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक प्ले कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।